हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। मम्मी की रसोई बाई कुमुद में स्वागत है आपका। समोसा एक ऐसी रेसिपी है जो सभी को पसंद आती है, तो कई तरह से बनाई भी जाती है ये। तो आज हम लोग बनाते हैं भुजिया समोसा। ये ईस्ट इंडिया में काफ़ी फेमस है, वहाँ कई इलाकों में इसे बनाई जाती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बगल में घंटी का निशान है, उसे टच कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भुजिया समोसा बनाने के लिए मैंने इस तरह आलू को छील करके और छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। इस तरह हम आप देख सकते हैं, ऐसे बीच से काट के और छोटे छोटे पीसेस में ऐसे हम काट लेंगे इसे। तो इस तरह मैंने अपने आलू को काट के रखा है। मैंने एक पैन चढ़ाया है और इसमें मैं डाल लेती हूँ 1 चम्मच तेल। ज़्यादा हमें तेल नहीं डालना है क्योंकि हम लोग उबले हुए आलू से इसे नहीं बना रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है भुजिया समोसा। जो हम आलू भुनेंगे इस प्रोसेस को इस में भुजिया कहा जाता है। तो अब मैं डालूँगी इसमें 1/2 चम्मच ज़ीरा, और ज़ीरा थोड़ा सा हमारा तरक जाता है तो मैं डालूंगी इसमें 2 पिंच हींग। और अब मैं डाल लेती हूँ अपने आलू को। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे अपने आलू को भूनना है क्योंकि ये आलू हमारा कच्चा है, तो इसे हमें अच्छी तरह पहले पकाना है। तो इसे पकाने के लिए हम इसे ढक देंगे। जब तक हमारा आलू पक रहा है हम डो बना लेते हैं। तो डो बनाने के लिए मैंने लिया है मैदा, और इसमें मैं डाल लेती हूँ थोड़ा सा अजवाइन और बिल्कुल 2 पिंच नमक, ताकि हमारा लेयर है वो फीका ना लगे। और मोइन के लिए मैं डाल लेती हूँ इसमें घी। मैंने थोड़ा सा घी, 2 चम्मच घी लिया है, 2 छोटे चम्मच मैंने घी लिया है। और एक बार हम मोइन कर लेते हैं इसे। घी का मोइन डालने से हमारा समोसा बहुत अच्छा खस्ता होगा। कैसे आपको पता लगेगा कि ये परफेक्ट है? तो आप इस तरह मुट्ठी बांध कर देख लीजिए। देखिए ये बंध रहा है, इसका मतलब है हमारा मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसे एक डो लगा लेते हैं। डो थोड़ा कड़ा ही रखेंगे, सॉफ्ट नहीं लगाना है वरना हमारा समोसा सॉफ्ट हो जाएगा ठंडा होने पे। तो थोड़ा हम कड़ा ही लगाएंगे डो। तो डो भी हमारा लग चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे ढक करके रख देते हैं। तो देख लेते हैं अपने आलू को। तो हमें इसे हाफ डन ही करना है, पूरी तरह अभी नहीं पकाना है हमें। तो अब हम डाल लेते हैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और डाल लेती हूँ मैं इसमें 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। एक बार मिक्स कर लेते हैं इन्हें। और क्योंकि अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो सबसे पहले तो मैं डालूँगी इसमें 1/2 प्याज मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, और 1 हरी मिर्च इसे मैंने काट लिया है। और अब मैं डालूँगी इसमें नमक। तो स्वाद के अकॉर्डिंग हम डालेंगे नमक, और मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और एक बार हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं। 1/2 चम्मच डाल लेते हैं ज़ीरा पाउडर, और एक बार हम इन्हें मिक्स करके और फिर से ढक करके हम इन्हें पकने देते हैं। देख लेते हैं अपने भुजिया को। तो हमारा भुजिया हो गया है, देख सकते हैं ये पक गया है, बिल्कुल मैश हो रहा है। तो अब मैं डाल लेती हूँ इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और अपने गैस को बंद कर देते हैं। और मैं डाल लेती हूँ इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो अब बना लेते हैं अपने समोसे को। तो इस तरह 2-3 लोइयाँ हम निकाल लेंगे, और इस तरह हम इसे रोल कर लेंगे।
रोल करने के बाद में हम थोड़ा सा इसमें सूखा आटा लगा लेते हैं, ये सूखा मैदा लगा लेते हैं, बेल लेते हैं इसे। बहुत ज़्यादा हमें पतला समोसा का नहीं करना होता है, तो इस तरह हम थोड़ा लंबाई में बेल लेंगे और यहाँ से इसे बीच से कट कर लेंगे। तो ऐसा हम सभी अपने लोइयों को पहले बेल करके बना लेते हैं और अब हम इन्हें फील कर लेते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ये सीधे वाला जो है इसे इस तरह ले आ करके यहाँ दबा देते हैं और इन्हें इस तरह यहाँ प्रेस कर दीजिए और फिर ऐसे आप पकड़ लीजिए और पकड़ करके फिर हम इसमें अपने फीलिंग को आलू वाले भुजिया को भर लेते हैं। इस तरह एक बार बराबर कर लीजिए सबको। थोड़ा सा हम यहाँ किनारियों पे पानी लगा लेंगे और यहाँ एक प्लेट देंगे और ये जो जॉइंट है यहाँ पे ले आकर हम इन्हें चिपका देंगे और फिर हम इस तरह चिपका लेंगे। तो आप देख सकते हैं समोसा हमारा तैयार है। तो इसी तरह हम अपने सभी समोसे को पहले तैयार कर लेते हैं। समोसे को फ्राई करते वक्त आपको अपने तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है और इन्हें अपने समोसे को मैं डाल लेती हूँ। आपको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है, तभी अच्छा खस्ता होता है। तो हमारा समोसा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गर्मा गर्म हमारा भुजिया समोसा और हरी चटनी और लाल चटनी के साथ में तैयार है। तो फ्रेंड्स, पसंद आए आपको ये समोसा की रेसिपी तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।